मेरा टप्पू है। कुछ दिनों पहले की बात है, ये सड़क पर इधर उधर घूम रहा था अकेला। इसे भूख भी लगी थी। मेरे दादाजी ने इसे देखा, उन्हें लगा कि कहीं ये किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए। वो इसे घर ले आए, फिर हमने इसे पाल लिया। ये मेरे पास आटप का था, हाँ, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया टप्पू। मेरे साथ खूब खेलता है, थोड़ा नटखट भी है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। मेरा दोस्त है टप्पू। आपके पास भी शायद कोई पालतू जानवर होगा, जैसे बकरी, बिल्ली, गाय, भैंस वगैरह। मैं तो सोचती हूँ कि पशु और इंसान बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। मैंने अपने टप्पू से बहुत कुछ सीखा। ये बोल तो नहीं सकता, लेकिन अब मैं इसके एक्शन से ही समझ जाती हूँ कि इसे भूख लगी है या फिर इसे अब खेलना है। मुझे लगता है हम पशुओं से बहुत कुछ सीखते हैं। जब हम इन्हें पालते हैं तो एक तरह से परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। वैसे भी इन्हें भी देखभाल की ज़रूरत होती है। बीमार पड़े तो इलाज की ज़रूरत होती है, जैसे हमें होती है। ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम इनकी देखभाल करें। मैंने टप्पू को एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाए, तब पहली बार जानवरों का अस्पताल देखा। हाँ, सचमुच जानवरों का अस्पताल। मुझे वहाँ से बहुत सारी बातें पता लगी, आपको भी बताती हूँ। क्यों टप्पू, ठीक रहेगा ना? ये है पशु चिकित्सालय, जिसे अंग्रेजी में वेटरनरी हॉस्पिटल कहते हैं। यहाँ बहुत तरह के इलाज होते हैं, आम अस्पतालों की तरह सुविधाएं हैं, जैसे खून जांच की प्रयोगशाला, एक्सरे, ऑपरेशन, ग्लूकोज चढ़ाना वगैरह। यहाँ भी पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जैसे अस्पतालों में होता है। यहाँ मैंने देखा अधिकतर पालतू पशु लाए जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पशुओं की जांच होती है। मेरी तरह बहुत से लोग अपने पालतू पशुओं को लेकर यहाँ आते हैं। जांच के बाद जैसी जरूरत होती है वैसा इलाज किया जाता है। जरूरत होती है तो ग्लूकोज भी चढ़ाया जाता है। कितनी चोट लगी है इसे, सफाई कर अच्छी तरह से मरहम पट्टी की जाती है, पूरे ध्यान से, प्यार से। सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। सफाई के बाद विसंक्रमण करते हैं ताकि अगले मरीज को लाया जा सके। यहाँ मैंने ऑपरेशन की पूरी व्यवस्था देखी। पहले एक्सरे किया जाता है, इसका ऑपरेशन होना है। यहाँ ऑपरेशन की पूरी तैयारी और व्यवस्था थी। यहाँ हमने डॉक्टर साहब से बात की। ये जानना ज़रूरी है कि एंटी रेबीज का इंजेक्शन कब और क्यों ज़रूरी है। कुत्तों को होने वाली आम बीमारियाँ क्या क्या हैं? रेबीज कुत्तों को होने वाली आम बीमारी है। एंटी रेबीज इसलिए ज़रूरी है कि अगर किसी को इसके दांत लग जाए तो ये बीमारी उसे ना हो जिसे इसके दांत लगने हैं। रेबीज अपने आप में कैसी बीमारी, इसका आज तक मॉडर्न साइंस में भी, सेंचुरी में भी इलाज उसका पूर्ण रूप से संभव नहीं है। एक बार किसी को रेबीज हो जाए तो उसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन उसका बचाव संभव है। और बचाव संभव में क्या होता है कि आप अपने जो डॉग है, जब 12 वीक का होता है, 12 हफ्ते का और या 3 महीने का जब कुत्ता होता है, उस वक्त हम उसको इंजेक्शन लगाते हैं और वो सालाना हम लोग उस इंजेक्शन को दोहराते हैं। जब तक वो उम्र जीता है तब तक उस इंजेक्शन को दोहराते हैं।
इसके साथ साथ कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनके अगेंस्ट हम और इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे डिस्टेंपर है, पार्वो है, और वो जो जो हमारे शॉट्स होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, वो हम 8 हफ्ते की उम्र पर शुरू करते हैं, और फिर उसी शॉट को हम बूस्टर कहते हैं जिसे 12 हफ्ते पे रिपीट करते हैं एंटी रेबीज़ के साथ, और ये फिर सारे इंजेक्शंस सालाना दोहराते हैं। और इसके साथ साथ एक बीच में पेट के कीड़ों की दवा, जो आंतों में कीड़े हो जाते हैं, जो कुत्ते को अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे पनपने के लिए बहुत ही मतलब परेशान करते हैं, क्योंकि जो खाना खाते हैं वो पूर्ण रूप से उसके स्वास्थ्य में नहीं लग पाता, तो हम डिवॉर्मिंग करते हैं हर महीने, पहले 6 महीने हर महीने करते हैं, उसके बाद हर 3rd महीने उसकी ताउम्र हम लोग डिवॉर्मिंग करते हैं। वॉट एवर वी आर टेकिंग वी कैन गिव एवरीथिंग, लेकिन बस उसमें वही देखना है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए। ये तो खाने की बात हुई। जहाँ तक उसके रखरखाव की बात है, सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए तो किसी को उसमें कहने की ज़रूरत है ही नहीं, अपने हिसाब से जैसे हम अपनी केयर करते हैं उसी हिसाब से करते हैं। अगर आपका रखरखाव बहुत अच्छा है, अगर आप उसकी डेली ब्रशिंग और ग्रूमिंग कर रहे हैं, तो उसका हेयर कोड बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर डेली ब्रशिंग और ग्रूमिंग हो रही है डॉग की, और एक्सरसाइज प्रॉपर हो रही है, और वैक्सीनेशन हो गया है, 3 चीज़ों का हमने ध्यान रखा है, तो हमें नॉर्मली किसी बीमारी के बारे में इतना ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा लगता है, कोई परेशानी है, तो आप जो भी आपके पास में वेटनरी हॉस्पिटल है उसको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं टप्पू का ख्याल रखती हूँ। टप्पू मेरा मेरी हर बातें समझता है, पर बहुत से जानवर यूं ही इधर उधर घूमते सड़कों पर नजर आते हैं। उनकी देखभाल कैसे होती है? उनके प्रति भी तो हमारी जिम्मेदारी है। पता लगा कि ऐसे भी अस्पताल हैं जहां पालतू पशुओं के साथ इनकी भी देखभाल की जाती है। ऐसी ही एक संस्था है जीवाश्रम। मुझे वहां जाकर बहुत अच्छा लगा, आपको भी ज़रूर अच्छा लगेगा। ये एक स्वयंसेवी संस्था है, बहुत से लोग इससे जुड़े हैं। जो पशु प्रेमी हैं, या जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई राह चलता आदमी जिनको हमारे नंबरों के बारे में पता है, टेलीफोन नंबर या हमारी संस्था के बारे में जानकारी है, वो लोग आते हैं, फ़ोन करते हैं और हमें मतलब सूचना देते हैं कि ऐसी ऐसी जगह ऐसा पशु है। जनरली हम लोग अपने 15 किलोमीटर रेडियस के एरिया में काम करते हैं, बिकॉज वी बड़ा मुश्किल है कि पूरी जगह जाके काम करना, और उन पशुओं को हम लोग उठा के लाते हैं। जो भी जैसा किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको एक्सरे की ज़रूरत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, या कोई और जो भी उसको चिकित्सा यानी दवाइयाँ और चिकित्सा की ज़रूरत है, हम पूर्ण रूप से हमारी संस्था उनको देती है। हमारे पास सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन है, एक्सरे मशीन है, ईसीजी है, पूर्ण ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ हैं, ऑपरेशन थिएटर है, एक लैब है जिसमें हम अपने रूटीन के टेस्ट करते हैं, या कोई और टेस्टों की ज़रूरत पड़ती है हम फर्दर भेजते हैं। यहाँ कुत्तों का या अन्य पशुओं का क्रेश भी है, यानी अगर आपको कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है तो आप उन्हें यहाँ छोड़ सकते हैं, यहाँ उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। अक्सर फोन आता है कि सड़क पर किसी जानवर को चोट लगी है, तो फौरन एम्बुलेंस भेजकर उन्हें लाया जाता है। कभी कभी तो उन्हें पकड़ने में भी काफी मुश्किल आती है। इस कुत्ते के पैर में चोट लगी है,
मरीज को रिकवरी रूम में आराम करने के लिए ले जाया जाता है। बड़ा प्यारा सा रिश्ता बन जाता है अगर पशुओं से दोस्ती करो तो। सचमुच ये हमसे तो कुछ भी नहीं मांगते बल्कि हमारे काम ही आते हैं, तो हम इन्हें दे सकते हैं स्नेह, सुरक्षा, संवेदना, ममता। थोड़ी सी ममता इनके लिए भी, थोड़ी सी ममता इनके लिए भी, थोड़ी सी ममता इनके लिए भी, थोड़ी सी ममता इनके लिए भी। जरा सी संवेदना लाती कितनी खुशी, जरा सी संवेदना लाती कितनी खुशी। छोटी छोटी बातों से प्यार की झोली भरी, जरा सी ममता इनके लिए भी, थोड़ी सी